जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रेलवे NTPC का फॉर्म निकल चुका है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और NTPC के 12th लेवल के भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं NTPC के ग्रेजुएशन लेवल वाले कन्फ्यूजन में है कि आखिर सर हम जोन कौन सा ट्राई करें, यानी कि जोन कौन सा चूज करें ताकि हमें सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी हो, यानी कि आसानी से हमारा सिलेक्शन हो। और साथ ही हम ये भी बताने वाले हैं कि वो दो जोन जो लास्ट की वैकेंसी के अनुसार, यानी कि वो दो जोन ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें मैरिट का बेस आप लोग को सबसे कम देखने को मिल सकता है, तो वो जो दो जोन कौन से, आखिर वहां से फॉर्म अप्लाई करके आप लोग कितना बेनिफिट मिलने वाला है, आज की वीडियो में आपको सारा जानकारी मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रेलवे बल्टेज के पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर आपको टाइमली मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि यहां पर आप देख सकते हो वो दो जोन आप लोगों को कौन से चूज करने हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हो कि मैंने एक यहां पर लिख रखा है आरआरबी बिलासपुर, ठीक है। और एक जोन और है आपके पास, कौन सा, प्रयागराज के भी आपको दिखा रहे हैं, यानी तुलना करके दिखा रहे हैं आखिर आप प्रयागराज अगर आप लोग जोन चूज कर रहे हो तो उसको चूज कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि बिलासपुर और एक गुवाहाटी, ये दो जोन आप लोग के ऐसे हैं जहां पर मैरिट का बेस आप लोग को सबसे कम देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको सबसे पहले जो रेलवे के जितने भी जिस जोन में कितना पोस्ट निकला हुआ है यहां देख सकते हो, यहां पर दोस्तों सब सारा क्लियर मेंशन है। यहां पर अहमदाबाद जो जोन है यहां पर देखिए कितना 516 पोस्ट निकला हुआ है, अजमेर में 132 निकला हुआ है, बेंगलुरु में 496 निकला है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा रेशियो जो आप लोग का वैकेंसी का दिखेगा वो दिखेगा आपको कोलकाता में कितना पोस्ट निकला है, 1382 पोस्ट निकला। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो आप लोग का एक भुवनेश्वर हो गया, ठीक। लेकिन इन सारे जोनों को मिलाकर अगर आप देख सकते हो कि आपको कौन सा बेनिफिट रहेगा, यानी कि किस जोन से हम फॉर्म को अप्लाई करें ताकि हमें आगे की, यानी कि जो मैरिट भी कम जाती है और वहां पर हमें सिलेक्शन लेने में आसानी हो, यानी CBT फर्स्ट का कितना कट ऑफ लास्ट टाइम गया, मैं आपको वो भी दिखा देना चाहता हूँ। वो दो जोन आप लोगों के कौन से, यहां पर देख सकते हो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो रेलवे NTPC का, आप लोगों को अगर नौकरी चाहिए, नहीं मुझे कहीं भी करना है, इंडिया में कहीं भी जॉब मिले, बस मुझे नौकरी करनी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप दो जोन ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वहां से आँख मीच के आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, CBT फर्स्ट आप लोग का जरूर निकलेगा अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है। तो वो दो जोन आप लोग को सबसे पहले हम बता दें। और लास्ट की मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लास्ट की यानी कि जब लास्ट भर्ती 2019 में आप लोग का NTPC का निकला था तो उसमें भी कितना मैरिट गया था उसका भी आप लोग को पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। यहाँ पर जो दो जोन आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ आप अप्लाई कर सकते हो, वैसे आप एक भुवनेश्वर भी ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप जो एक भुवनेश्वर भी ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो भुवनेश्वर में कितना पोस्ट है, 758 पोस्ट निकला है। लेकिन वो दो जोन मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो कौन से जोन है, यहाँ पर बिलासपुर हो गया, ठीक है। बिलासपुर आप एक जोन अपना ले सकते हो, क्यों मैं कह रहा हूँ बिलासपुर के लिए, मैं उसका प्रूफ दिखा दूँ। बिलासपुर में टोटल इस बार जो पोस्ट निकली है वो 649 निकली है, ठीक है। इस बार का वैकेंसी का लेवल जो है बहुत कम निकला हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार वैकेंसी जबकि बहुत खाली है लेकिन इतना पोस्ट क्यों निकाला गया है, उसके लिए भी बात करेंगे आप लोग के अगली वीडियो में। अभी आपके लिए मैं दो जोन आप लोग ऐसे बता रहा हूँ, वो जोन में आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक गुवाहाटी हो गया जोन, कौन सा हो गया, गुवाहाटी में कितना पोस्ट निकला है, 516 पोस्ट निकला हुआ है। तो ये दो जोन आपके बिलासपुर गुवाहाटी, इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ लास्ट भर्ती के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट भर्ती में अगर आप देखना चाहोगे तो लास्ट भर्ती में इसमें कितना पोस्ट निकला है, देख लीजिए कितना मेरिट गया है। सबसे पहले मैं बिलासपुर का दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो लेवल 5 है, यानी कि लेवल 5 का आपका जो पोस्ट है उसमें UR की वैकेंसी जो निकली उसका UR का CBT फर्स्ट का कितना कट ऑफ गया था, 66, UR का 66 गया था, SC का कितना गया था, 53, ST का गया था 48, OBC का 61 और EWS का 51 गया था। ये लेवल 5 का निकला है, ठीक है। लेवल 6 का मैं देख लीजिए, लेवल 6 में आपका स्टेशन मास्टर आता है, ठीक है, और
एक पोस्ट आती है आपका टिकट कम, ऐसे ही सुपरवाइजर का आपका एक का पोस्ट है लेवल सिक्स में, वो भी आती है। तो यूआर का आप देख सकते हो यहाँ पर कितना गया, लेवल सिक्स का 77, एससी का 67 है, एसटी का 63, ओबीसी का 76 और ईडब्ल्यूएस का 71। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का जो बिलासपुर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग से, पहले भी मैंने आपको लेकर बोला है कि बिलासपुर आप एक ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ का मेरिट जो है आप लोगों को कम भी देखने को मिलता है। दूसरा जोन मैंने आपको बताया था गुवाहाटी, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रयागराज फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ले सकते हो बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप यूपी क्षेत्र से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि मैं इतना नंबर ले आऊंगा। ठीक है, ये तो अभी अभी तो पिछली बार का कट ऑफ है जब वैकेंसी का लेवल बहुत हाई था। ठीक है, कितना यूआर का 80 कट ऑफ गया था, ठीक है, एससी का 67 गया था, एसटी का 59 गया था, ओबीसी का 73, ईडब्ल्यूएस का इतना, तो ये लेवल 5 का है, लेवल 6 में ये कट ऑफ गया था 79। ठीक है, तो ये सारे कट ऑफ आप देख सकते हो प्रयागराज का है। अगर आपको लगता है कि मैं इतने में फाइट कर लूंगा तो डेफिनेटली आप प्रयागराज भर दीजिए। अगर आप यूपी वगैरह से बिलोंग करते हो तो प्रयागराज भर सकते हैं। मेरा दिखाने का मतलब बस यही है कि आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है यहाँ पर। आरआरबी बिलासपुर अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पर यूआर की कैटेगरी कितना गया हुआ है, कितना आपका गया हुआ 66, ठीक है, यूआर कैटेगरी कितना गया हुआ है आपका 66, एससी कैटेगरी का 57, ठीक है, एससी कैटेगरी कितना गया है 57, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 53 और एसटी का 48, 61 कितना किसका गया, ओबीसी का गया है, EWS का ही है। ये लेवल 5 के पोस्ट बता रहा हूँ बिलासपुर का, ठीक, बिलासपुर का लेवल 5 का पोस्ट बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर लेवल 6 का जो आप लोगों का है ये 77 गया हुआ है, 77 गया हुआ है लेवल 6 का, ओबीसी का 76 गया है, तो ये बिलासपुर का है आपका, ठीक, बिलासपुर का है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो पूरा आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो आप ये दो जोन रेलवे के जो है चूज कर सकते हो अपने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाले, ठीक है, बाकी आप आपको अगर जो सूट करता है, यानी कि आपको अगर आपके क्षेत्र में यानी कि आपके एरिया में जैसे कि लगा हुआ है कोई अगर यूपी से बिलोंग करता है तो अगर आपको लगता है कि भाई प्रयागराज में हम इतने में फाइट कर लेंगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली प्रयागराज भर सकते हैं। ठीक, तो लेकिन ये दो जोन आप लोग को मैंने जो बताया यहाँ का मेरिट भी कम जाता है तो आप इस जोन को अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर, सो बस इसीलिए मैं कहता हूँ अगर अभी भी आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना तो आप बिलासपुर ले सकते हो एनटीपीसी का, अगर ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक, ट्वेल्थ लेवल का भी मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको जल्द ही वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक की स्टूडेंट की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।